हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम महकार सिंह, योर इंग्लिश टीचर, क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश सेकंड में चैप्टर आपका नंबर चला 10, नॉन फिनेटिव वर्ब्स। तो नॉन फिनेटिव वर्ब्स में आज आपका जो पार्ट्स है वो है जीरंड। जीरंड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरंड बनता है, ठीक है। जैसे देखिए, द जीरंड इज अ वर्ब दैट एंड्स इन आईएनजी, ओके। और देखिए, जीरंड्स का हम यूज कैसे करते हैं, यूज ऑफ जीरंड्स एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। हाँ, एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ ट्रीज इज बैंड। अब देखिए, सेकंड हो जाएगा एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांसिटिव वर्ब। देखिए, ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल बॉयज, दोज बॉयज एंजॉय डूइंग रेसिंग, ओके। अब देखिए, थर्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। अब देखिए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल सी वाज आस्क्ड ए रीजन फॉर कमिंग लेट। अब देखिए, फोर्थ एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, फॉर एग्जांपल माय फेवरेट पास्ट टाइम इज प्लेइंग वीडियो गेम्स, ओके। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका एज एन एब्सोल्यूट फ्रेज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेन क्लास, फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग फुटबॉल इज हिज पैशन, ही डेवोट्स ए लॉट ऑफ टाइम ऑन इट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप जीरंड के बारे में अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर, हम इसका क्वेश्चन नंबर ई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करो, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करो। तो कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर ई, फिल इन द ब्लैंक्स विद द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो। अब देखिए, जो वर्ब्स नीचे दी गई हैं, ये इन्हें आपको इन सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सेंस फिल करना। अब देखिए, हिज हॉबी इज कलेक्टिंग कॉइन्स, उसकी आदत है पैसे यानी सिक्के, कॉइन्स में सिक्के इकट्ठे करना। अब देखिए, नेक्स्ट टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। थर्ड है प्लानिंग फॉर फ्यूचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिसनिंग इम्प्रूव्स आवर लैंग्वेज। राइटिंग इज ए स्किल। मेकिंग फन ऑफ अदर्स इज ए बैड हैबिट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर ई आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक नोट करें और अंडरस्टैंड हो। ओके, गुड बाय, टेक केयर।